हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्नू। मेरा चैनल यमी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गूंथे हुए आटे का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ते का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा था, थोड़ा सा आटा मेरा बच गया था, इसी से मैं आज वो नाश्ता बनाऊंगी। ऐसे छोटे छोटे पूड़ी बनाते हैं जैसे हम, ऐसे ही छोटे छोटे लोई बनाएंगे। इसके लोई बनाकर थोड़ा सा आटा का डस्टिंग करेंगे और उसको जैसे हम पूरी बेलते हैं ऐसे ही इसको बेल लेंगे, पतला करेंगे। पतला बनाने से ही हमारा नाश्ता टेस्टी लगेगा, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं उतना ही पतला रखेंगे हम। अभी एक चाकू की मदद से ये साइड के हिस्से को कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद इसके पतले पतले लंबे टुकड़ों में ऐसे काट लेंगे। अभी एक टुकड़े को ऐसे लेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों एंड को ऐसे दबा देंगे, दबा के इसको रखेंगे। ऐसे ही सारे आटे का हम नाश्ता के लिए ऐसे ही बना लेंगे शेप में। ऐसे ही दोनों एंड को दबा देंगे, फोल्ड करते हुए दोनों एंड को दबा देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इतना सारा बना लिया है और बाकी सारा भी मैं ऐसे ही बना के तैयार कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं सारे आटे को मैंने ऐसे बेल कर ऐसे शेप दे दिया है। नाश्ता बनाने के लिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। नाश्ता को उबालने के लिए हमें अच्छे से पानी को बॉईल करना है और उसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल देना है ताकि नाश्ता जो है चिपके नहीं। अभी हम इसे बॉईल करेंगे गरम पानी में। एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना हो सके अच्छे से बॉईल करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम ये सारे नाश्ते को बॉईल कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता जो है अच्छे से ये जो बॉईल हो गए हैं। अभी हम इसे छानकर प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ता बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, इसी समय हम 3-4 हरी मिर्ची को ऐसे पतले लंबे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। प्याज को भी मैंने ऐसे लंबे टुकड़ों में ही काटा है। प्याज और मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अभी हम थोड़ा सब्जी ऐड करेंगे नाश्ते को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए। मैंने शिमला मिर्च को ऐसे पतले लंबे टुकड़ों में काटा है, थोड़े से गाजर डाला है। आपके पास जो भी सब्जी हो, पत्ता गोभी, बीट रूट, कोई भी सब्जी आपका पसंद का हो आप वो डाल सकते हैं। अभी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा सब्जियों को फ्राई करेंगे। अभी 1/2 टीस्पून डार्क सोया सॉस डाल देंगे, 1/2 टीस्पून विनेगर डाल देंगे और 1 टीस्पून टमाटो सॉस डाल देंगे। अभी मैं एक स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला का पैकेट का मसाला डाल रही हूँ, इससे नाश्ता और भी टेस्टी लगेगा। मसाले के साथ सारे सब्जियों को थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी समय हम बॉईल किए हुए ये आटे को हम डाल देंगे और मसालों को साथ सब्जी के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बारीक कटे हुए हरा धनिया भी डाल देंगे। अभी लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे कढ़ाई में। अभी आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता जो है रेडी हो गया है। अभी मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है। इसे मैंने गूंथे हुए आटे का
मिक्स वेज मसाला पास्ता बना दिया है। अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।